क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ वीडियोस में बैकग्राउंड म्यूजिक इतना लाउड होता है कि बोलने वाले की आवाज़ ठीक से सुनाई ही नहीं देती, या कुछ वीडियोस में बैकग्राउंड म्यूजिक का वॉल्यूम इतना कम होता है कि उसका होना ना होना एक ही बात है। कोई आपके वीडियोस को देखकर ऐसा ना फील करे, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको प्रीमियर प्रो की एक ऐसी सेटिंग के बारे में बताऊंगा जिससे आपकी वॉइस एकदम क्लियरली सुनाई देगी और बैकग्राउंड म्यूजिक आपके कॉन्टेंट को सपोर्ट करेगा, ना कि डिस्ट्रैक्ट। आप बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड करने के बाद उसके वॉल्यूम को कम करके वॉइस को सुनने लायक बना सकते हो, लेकिन इसमें अभी भी एक प्रॉब्लम है। हर आवाज की अपनी एक फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, उसी तरह आपकी वॉइस और म्यूजिक की भी एक रेंज है, और जब आप अपनी वॉइस के साथ एक बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड करते हो तो आपकी वॉइस की फ्रीक्वेंसी रेंज का कुछ हिस्सा म्यूजिक की फ्रीक्वेंसी के साथ ओवरलैप हो जाता है। ऐसे में अगर आप बैकग्राउंड म्यूजिक के वॉल्यूम को कम भी कर देते हो तो भी ओवरलैप फ्रीक्वेंसीज की वजह से हमारे ब्रेन को वॉइस और म्यूजिक को अलग अलग क्लियरली प्रोसेस करने में डिफिकल्टी होती है। इसे सॉल्व करने के लिए आप म्यूजिक की फ्रीक्वेंसी रेंज के उस पार्ट पर एक डिप बना सकते हो जो आपकी वॉइस से ओवरलैप हो रही है। इसके लिए आपको बस इफेक्ट्स में जाकर सिंपल पैरामेट्रिक ईक्यू सर्च करना है और इसे ड्रैग करके अपनी म्यूजिक लेयर पर ड्रॉप कर देना है। इसमें जो हमें सेंटर सेटिंग दिख रही है, यहाँ हम वो फ्रीक्वेंसी रेंज का सेंटर पॉइंट एंटर करेंगे जहाँ सबसे ज्यादा ह्यूमन वॉइस और म्यूजिक की फ्रीक्वेंसीज ओवरलैप करती है। ये रेंज यूजुअली 1000 से 1500 हर्ट्ज तक होती है, तो इसका सेंटर पॉइंट है 1250 हर्ट्ज। सेंटर पॉइंट सेट करने के बाद हमें ये डिसाइड करना है कि इस सेंटर पॉइंट की कितनी रेंज हम कवर करना चाहते हैं। ये हम क्यू की वैल्यू सेट करके करते हैं। इसकी आइडियल रेंज है 4। इसमें काफी वोकल रेंज कवर हो जाती है, लेकिन मैं कभी कभी इसको 8 तक इंक्रीज कर देता हूँ। ये म्यूजिक टू म्यूजिक डिपेंड करता है। अब हमने सेंटर पॉइंट सेट कर लिया और पॉइंट की रेंज डिसाइड कर ली। अब इस फ्रीक्वेंसी रेंज को हमें कितना डिप करना है वो हम बूस्ट की वैल्यू से करेंगे। इसे आपको -18 डीबी पर सेट करना है। ये म्यूजिक के वॉल्यूम को कम करने जैसा है। फर्क बस इतना है कि पूरी म्यूजिक की जगह हमने उसकी एक फ्रीक्वेंसी रेंज सेट करके उसके लेवल्स को -18 डीबी पर कम कर दिया। सिंपल पैरामेट्रिक ईक्यू की ये सेटिंग्स करने के बाद अब आपको ओवरऑल म्यूजिक के वॉल्यूम को भी कम करना है। आप इसको -10 डीबी या जो भी आपको अपने वॉइस के हिसाब से सही लगे उस पर सेट कर सकते हो। इस पूरे प्रोसेस को अगर मैं इजी और शॉर्ट वे में समझाऊं तो हमने बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करके उसके ओवरऑल वॉल्यूम को कम किया, फिर वॉइस और म्यूजिक की जो भी फ्रीक्वेंसी रेंज ओवरलैप होती है उसमें से म्यूजिक की उस रेंज को सेंटर पॉइंट और क्यू की वैल्यू से डिफाइन किया और बूस्ट सेटिंग से उसका वॉल्यूम कम करके वहां एक डिप बना दिया। सिंपल पैरामेट्रिक ईक्यू की ये सेम सेटिंग्स आप हर एडिटिंग प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो, तो टाइम बचाने के लिए आप इसको एज अ प्रीसेट सेव कर लो। इसके लिए आपको बस सिंपल पैरामेट्रिक ईक्यू पर राइट क्लिक करना है, फिर सेव प्रीसेट पर क्लिक करके इसको एक नाम देकर सेव कर देना है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आपको बैकग्राउंड म्यूजिक के लेवल्स को सेट करना हो तो इफेक्ट्स में जाकर प्रीसेट्स को एक्सपेंड करके आप इस इफेक्ट को म्यूजिक लेयर पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। वैसे तो ये बहुत ही सिंपल सी सेटिंग है बिकॉज इसका नाम ही सिंपल पैरामेट्रिक ईक्यू है, लेकिन ये मेरे एडिटिंग वर्कफ्लो का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हो सके तो अपने वीडियो एडिटर फ्रेंड्स के साथ शेयर भी। और अगर ऑडियो और म्यूजिक लेवल्स की बात हम कर ही रहे हैं तो ये वीडियो भी आपके काम आ सकता है। इसमें मैंने बताया है कि कैसे प्रीमियर प्रो में सही ऑडियो लेवल्स सेट करने के बाद भी यूट्यूब पर अपलोड होने पर ये लेवल्स अपने आप कम हो जाते हैं, और ऐसा ना हो इसके लिए आपको क्या करना है।